तो एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ इस खतरनाक वायरस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की ठीक से जांच तक नहीं हो रही। कल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बाहर आने वाले लोगों की जानकारी मांगी थी और आज केजरीवाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने वाले हैं। बढ़ता जा रहा है देश के अंदर और ये भारत सरकार की कमी से हो रहा है। अगर एयरपोर्ट पे ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको डॉक्टर्स ठीक तरीके से देखते, 14-14 दिन कम से कम उनको रखा जाता, तो ये नौबत नहीं आती। ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, कोरोना वायरस के बारे में सरकार पूरी तरह से सजग है, सचेत है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वजह से पीएम मोदी अपना बांग्लादेश का दौरा भी रद्द कर सकते हैं। पीएम मोदी को 17 मार्च को बांग्लादेश जाना है और इस बीच बांग्लादेश ने भी कोरोना वायरस के 3 मामले मिलने के बाद शेख मुजबिर रहमान की जयंती पर होने वाले शताब्दी समारोह को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना था। बांग्लादेश ने घोषणा की है कि 17 मार्च का कार्यक्रम अब छोटे स्तर पर होगा। तो अब ऐसा, जब ये समारोह रद्द हुआ है तो ऐसी भी संभावना दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब वहां ना जाएं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है। उधर चीन में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला जारी है। रविवार को भी कोरोना वायरस से 22 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 नए मामले भी सामने आए। चीन में अब तक कोरोना वायरस से 3,119 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि चीन में पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इस बीच हांगकांग, मकाओ और ताइवान में भी कोरोना वायरस के 169 मामले मिले हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है। जानलेवा कोरोना वायरस इटली में अब तक 366 लोगों की मौत उससे हो चुकी है और इटली में कोरोना वायरस के अब तक 7,375 मामले सामने आए हैं। इटली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद इटली की सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा मास्क के ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस के कुल 7,313 मरीज हैं। उधर शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी जा रही है और ये रिकॉर्ड गिरावट के साथ खुलने के बाद अब सेंसेक्स करीब 1600 अंक नीचे गिरा है, जबकि निफ्टी में भी 400 से ज्यादा अंक की गिरावट आई है। तो सेंसेक्स में एक भारी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें, शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट है वो रिकॉर्ड है। बाजार खुलने के साथ ही अब सेंसेक्स करीब 1600 अंक नीचे गिरा है। उधर बिहार के दरभंगा की रहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की ने ऐलान किया कि वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है। जेडीयू के पूर्व विधायक विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया ने बिहार के सभी अखबारों में पहले पेज पर एक विज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताया है। यही नहीं, उन्होंने बिहार की जनता को एक पत्र भी लिखा। पुष्पम प्रिया ने अपनी एक पार्टी भी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने प्यूरस रखा है। पुष्पम प्रिया के ट्विटर हैंडल के मुताबिक उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी है और पूरे बिहार की जिम्मेवारी उन पर में है। उनको इस बात के लिए मौका नहीं मिला होगा तो हमसे पूछेंगे। उनके निकटवर्ती लोगों ने मुझसे सवाल किया और मैं जो जवाब आपको दे रहा हूँ, जो बालिग है, शिक्षित है, उसका अपना निर्णय है। नाराज दिख रही पार्टी, ऐसा पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, क्या है इसमें पूरे मसले में लेके? एक लाइन में पूछ रहा हूँ, पार्टी क्यों सपोर्ट करेगी? पार्टी को सपोर्ट करने का क्या आधार है? पार्टी के शीर्षस्थ नेता को वो चैलेंज कर रही है, पार्टी हमको समर्थन करेगी, इसका तो सवाल नहीं होता। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 5वें दिन भी कमी आई है। इस समय देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 महीने में सबसे कम है, जबकि एक दिन में 1991 के बाद सबसे ज्यादा कीमत कम हुई है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में 23 से 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की, जबकि डीजल के दाम में 25 से
26 पैसे प्रति लीटर दाम घटाए गए। दाम घटने के बाद आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 59 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 63 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 29 पैसे है, जबकि डीजल के दाम 66 रुपए 24 पैसे है। उधर कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल के दाम आज 73 रुपए 28 पैसे, जबकि डीजल के दाम 65 रुपए 59 पैसे है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल के दाम 73 रुपए 33 पैसे, जबकि डीजल के दाम 66 रुपए 75 पैसे है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 9 महीने में पेट्रोल सबसे सस्ते दामों में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों की इस वक्त क्या चल रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले डीजल के दाम आपको बताएं, दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर डीजल 63 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। तो वहीं अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल के दाम अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए पेट्रोल है 70 रुपए 59 पैसे। आज जो गिरावट दर्ज की गई है वो करीब 23 से 25 पैसे पेट्रोल में दर्ज की गई है, जबकि 25 से 26 पैसे डीजल के दामों में ये गिरावट दर्ज की गई है। ग्राहकों से बात करते हैं। सर, पेट्रोल की जो दाम है, डीजल के दाम है, लगातार गिर रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है इसका? बिल्कुल, हमें इसका फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से दाम एक झटके में बढ़ जाते हैं उस हिसाब से गिरावट नहीं होती है। गिरावट बहुत कम ही रेशियो में होती है। तो जिस हिसाब से मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि जिस हिसाब से आप दामों में बढ़ोतरी करते हैं उसी हिसाब से दामों में गिरावट भी करें, ताकि जनता को उसका भरपूर फायदा मिल सके। तो देखिए, ये ग्राहक है, इनकी राय है कि जिस तरह से दाम बढ़ते हैं गिरावट उस स्पीड से नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी है, बताइए कि किस हिसाब से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 25-30 पैसे डेली गिर जाते हैं। आप आइए बताइए कि कितना पैसा गिर गया है और अभी क्या आगे भी गिरेगा? थोड़ा डेली मिनिमम 13 पैसे मिनिमम गिर रहे हैं। हाँ। और मैक्सिमम 25-26 पैसे के आसपास ये गिरावट डेली हो रही है दोनों में जी। बाकी ये 20 दिन से प्रोसेस चल रहा है। हाँ। कंटिन्यू 5 डेज से है पिछले। अच्छा। और बाकी अभी ये गिरावट और होगी उम्मीद है। उधर लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी, और इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लखनऊ में आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को तलब किया था। लखनऊ में हिंसा के आरोप में 53 लोगों के पोस्टर लगाए गए थे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने लखनऊ हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया। नवाब मलिक ने पोस्टर लगाए जाने को आजादी का हनन बताया और इससे आरोपियों की जान को खतरा बताया। उधर यूपी के हमीरपुर में होली पर पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च करके लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की। वहीं संवेदनशील इलाके में पुलिस के आला अधिकारी पीएसी और भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च में शामिल रहे। हर इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए होलिका दहन किए जाने वाली सभी जगहों का मुआयना भी किया। आज होली से पूर्व की संध्या पर मौदहा कस्बे में यहाँ उपस्थित पुलिस बल, थाने के पुलिस बल और पीएसी के साथ फ्लैग मार्च किया गया। मार्ग पे जो भी होलिका दहन के स्थान है इन सभी का निरीक्षण किया गया, चेक किया गया। यहाँ के लोगों से होली के संबंध में वार्ता की गई और सबके द्वारा यही बताया गया कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पे होली मनाई जाती है और यहाँ पे पहले कभी कोई समस्या नहीं रही और इस बार भी पुलिस पूरी मुस्तैद है और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्यौहार यहाँ संपन्न कर रहे हैं। तो यूपी के हमीरपुर में होली पर पुलिस ने ये सड़क पर फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील भी पुलिस वालों की तरफ से रही। वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, भारी पुलिस बल के साथ वहां पर फ्लैग मार्च में शामिल रहे। हर इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए होलिका दहन किए जाने वाले जो सभी जगह है उनका मुआयना किया और इस बीच जो लोग उनसे मिल रहे थे उनको भी वो कहते हुए नजर आए कि शांतिपूर्ण ढंग से ही होली मनाया जाए। यूपी के हमीरपुर की ये तस्वीर जहां पर होली पर पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया है।
उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में बस में सफर कर रहे लोगों में शामिल एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक पुलिस वाले की पिटाई की गई। महिला ने खुद के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बारे में फोन पर अपने परिवार वालों को बताया, जिसके बाद गुस्साए परिवार वाले ने रास्ते में बस रुकवाई और आरोपी पुलिस वाले को बस से उतार कर पीटना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें घूसों और डंडों से कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस वाले ने पिटाई से बचने के लिए वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन महिला के परिवार वालों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर मारने लगे। पुलिस वाले ने पीटने वाले से छोड़ देने की गुहार भी लगाई। इससे पहले बस में ही आरोपी की हरकतों से महिला भड़क गई थी और उसने बस में बैठे बाकी लोगों से भी इसकी शिकायत की थी। वहीं मारपीट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वाला एक पीछे बैठा था और उसने छेड़छाड़ की है, हाथ आगे डाल के। कहां से आप आ रही थी? लखनऊ से आ रही थी। उधर यूपी के आगरा में एक परिवार ने सड़क पर लेटकर जमकर हंगामा किया। पूरा मामला थाना सदर बाजार का है, जहां पुलिस ने एक साल पहले हुए एक हत्याकांड में नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आरोपी का परिवार भड़क गया और थाने के बाहर सड़क जाम करके हंगामा करने लगा। पूरा परिवार थाने के सामने सड़क पर लेट गया, उसके बाद थाने के अंदर जाकर जमकर हंगामा किया। पूरे परिवार ने कई घंटे तक थाने में हंगामा किया और पुलिस पर झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों ने काफी मुश्किल से परिवार को समझाया, तब जाकर लोग माने। यूपी के आगरा में थाने के सामने जमकर हंगामा करते हुए दरअसल परिवार के लोग हत्या के आरोपी को बचाने की कोशिश, आरोपी के परिवार ने सड़क जाम करके काफ़ी देर तक ऐसे ही हंगामा सड़क पर ये लोग करते रहे, लेट कर वहाँ पर डटे रहे, जिसके बाद काफ़ी देर तक इनको जब समझाया जाए गया तब जाकर ये लोग वहाँ से उठे। किसके मर्डर की कैसे पता? निर्दोष कैसे हैं आपके पति? पति ऐसे मेरे पति घर पे थे उस टाइम पर और इनका इलाज चल रहा था उस दौरान। हां किन का दिख ही नहीं रहा था, भाई का इलाज सरकारी ऐसे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उनका उस दौरान। आप मेरी बस्ती में पड़ोस में सब जगह पता कर लो कि उस टाइम पे करता कि नहीं। 1000 आदमियों का स्टैंप पेपर से साइन करवा के दूंगे कि उस टाइम घर पे थे, तब तो मानेगी सरकार कि नहीं मानेगी?